सुप्रीम कोर्ट में आज अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है मैंने अर्णब गोस्वामी का चैनल ना देखा हो, ना ही कभी उन्हें टीवी पर देखा हो। उनकी विचारधारा भी मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी रक्षा करना जो है हमारा काम है। तो इस तरह का बयान जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका थी और उसी दौरान जो है महाराष्ट्र सरकार को भी ये कहा गया कि अगर कोई किसी को टारगेट करता है तो उसकी हिफाजत करना हमारा काम है। और इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भले ही मैं अर्णब का चैनल नहीं देखता और मैं अर्णब की विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन कोर्ट अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा नहीं करेगा तो ये रास्ता उचित नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक पत्रकार का अधिकार है। लेकिन अगर आप किसी बात की अभिव्यक्ति करते हैं और इसी के लिए आपको टारगेट बनाया जाए तो ये सही नहीं। और यही बात जो है सुप्रीम कोर्ट में आज खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही। उन्होंने कहा कि मैं नहीं देखता, मैं जानता नहीं, मैं उनकी विचारधारा मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी भी तो रक्षा होनी चाहिए। और इसी आधार पर जो है आज अर्णब गोस्वामी को बेल दे दी गई है। आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से मिठाइयां बट रही हैं। रिपब्लिक के ऑफिस में जश्न का माहौल था। कोई कह रहा था कि हमारा बड़ा भाई ऐसा लग रहा था कि इतने दिन नहीं था, तो किसी ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि हमारे पिता नहीं थे ऑफिस के अंदर। तो और देश में भी लोग जो है उनकी रिहाई के बाद काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहे हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि मानो आज ही हमारी दिवाली हो गई है।